अगर आपने अब तक J4 E-Tech YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मिलते रहे वीडियो अपडेट सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं J4 E-Tech जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज मैं क्विक हैंड्स ऑन और ओवरव्यू देने वाला हूं Xiaomi के Mi Mix का। जैसे अभी देख रहे हैं मेरे हाथ पे, ये दोस्तों Xiaomi का Mi Mix है। ये एक बेजरलेस डिस्प्ले वाला फ़ोन है जो कि बोल सकते हैं सबसे पहले फ़ोन जो था लॉन्च हुआ था वर्ल्ड में। एक्चुअली हालांकि ये फ़ोन जो है इंडिया में नहीं आया था, ये फ़ोन जो है चाइना में ही रिलीज़ हुआ था। ये Mi का एक कॉन्सेप्ट फ़ोन था दोस्तों, जिसमें है पूरा कम्प्लीटली ट्रू बेजल दिया हुआ था। तो इस फोन में इसके अलावा और क्या क्या प्रोसेसर है, क्या देखने को हमको मिलता है, क्या खासियत इस फोन की, सब कुछ जो है आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहाँ पर जो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर टॉप में, तो यहाँ पर आपको जो है 3.5 mm का ऑडियो हेडसेट जैक मिल जाता है विद सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक। इसके बाद अगर हम इसके बॉटम में जाते हैं दोस्तों, तो बॉटम में जो है आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट, और साथ में जो है आपको स्पीकर ओपनिंग्स मिलती है। ये बेसिकली डुअल स्पीकर नहीं है, इसका एक ही स्पीकर काम करता है, एक जस्ट ओपनिंग है यहाँ पर इसके। दोस्तों अगर हम इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है जो कि सेरामिक का बना हुआ है, और इसका फील, लुक एंड फील काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर दोस्तों जो है पावर बटन आपको देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों इसके अगर हम इस साइड में जाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है जो कि डुअल सिम कार्ड सपोर्ट करता है। ये जो मेरे पास फ़ोन है दोस्तों, ये जो वेरिएंट है, ये मेरे पास 256 GB और 6 GB रैम वाला वेरिएंट है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक 4 GB और 128 GB वाला भी वेरिएंट आता है। इसके बैक साइड में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ये कंप्लीटली देखिए पूरा ग्लास है, और कितना मतलब एकदम शाइनी ग्लास है। और देखा जाए तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है। ये देखिए मैंने अभी थोड़ी देर ही इसको पकड़ा रखा है और इसको जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है दाग पड़ गए हैं। हालांकि दोस्तों इसके साथ एक लेदर केस आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है ताकि आप इसको फ़ोन को लगा सकें और जो है आप फ़ोन को आसानी से ग्रिप कर सकें। इसके अलावा बैक साइड में दोस्तों यहाँ पर जो है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, साथ में आपको मिलता है 16 MP का रियर कैमरा विथ डुअल टोन LED फ्लैश। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है मिक्स डिज़ाइन बाय Mi, ये जो है यहाँ पर डिटेल दी हुई है। तो दोस्तों अब हम आप करते हैं ऑन इस फ़ोन को और देखते हैं इसका स्क्रीन क्वालिटी। तो ये देखिए जो फ़ोन है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्क्रीन क्वालिटी जो है, ये जो है दोस्तों कम्प्लीटली देखिए ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन है। हालांकि ये फ़ोन पकड़ने में उतना बड़ा नहीं है बिकॉज ये इसका जो है स्क्रीन उतना बड़ा दिया हुआ है, बाकी फ़ोन का जो फिज़िकल बॉडी बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5.7 इंच के स्क्रीन वाले फ़ोन जितनी ही है। तो इसलिए फ़ोन को आप हैंडल करने में उतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा, लेकिन ये फ़ोन थोड़ा सा रिस्की है तो उस चीज़ में हम बाद में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऊपर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके का जो है ईयरफोन नहीं दिया हुआ है इसमें। दोस्तों जो Mi ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है उसको बोलते हैं पीजोइलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली ईयरफोन नहीं होता है, अंदर से साउंड जो है गूंज के आके उस पर जो है आपको मिलता है और आप उसको सुन सकते हैं। इवन जो इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा जो कि जगह नहीं है, तो यहाँ पर जो है अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज़ किया है। और ये सेम थिंग दोस्तों जो है Mi Mix 2 में यूज़ हुई है, तो उसमें हम लोग जो है बाद में आएंगे इसके कंपैरिजन में। तो ये था ओवरऑल दोस्तों, ये है इसका ओवरऑल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मेन्यू। और इसके दोस्तों अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं तो देखते हैं हमको यहाँ पर और क्या क्या मिलता है। तो सेटिंग्स में दोस्तों अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको रैम 6 GB का मिलता है। जैसे ये 6 GB वाला वेरिएंट है 256, इसमें आपको इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाता है जिसमें आपको 245 GB जो है खाली मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है ये एंड्रॉयड वर्जन जो है एंड्रॉयड 6 है, यानी मार्शमेलो है, इसमें आपको जो एंड्रॉयड वर्जन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो MIUI वर्जन मिलता है वो मिलता है 8.5, यानी 8.5 का जो इसका स्टेबल वर्जन है यहाँ पर। तो MIUI 9 इसमें नहीं मिलता है, आएगा या नहीं आएगा फिलहाल इसका कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन का 821 प्रोसेसर जो कि 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है। इसके अलावा दोस्तों ये 6 GB रैम है, 256 GB इनबिल्ट। इसके अलावा इसका एक 4 GB रैम आता है और 128 GB इनबिल्ट प्रोसेसर आता है। इसमें दोस्तों जो आपको बैटरी मिलती है वो मिलती है 4400 mAh की बैटरी, और इसमें जो बाकी डिटेल जैसे आप स्क्रीन में इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मैं बोलूँगा तो ये काफ़ी मतलब बढ़िया और बेहतरीन फ़ोन है, क्योंकि इसका जो मेन स्क्रीन है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन जितना अट्रैक्टिव स्क्रीन है उतना ही ज़्यादा ये रिस्की है, बिकॉज ये कभी अगर गलती से हाथ से छूटा या गिरा तो इसके आसपास बेजल नहीं होने की वजह से इसको टूटने का ज़्यादा चांस ज़्यादा है। हालांकि ये जो सो गोरिल्ला ग्लास है
बट ऐसा मतलब ये नहीं कि गोरिल्ला ग्लास है तो ये टूटेगा नहीं। इसके अलावा दोस्तों इसमें बाकी जो है आपको गूगल की सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं, आप यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से इसमें MIUI आपको वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, आप यहाँ पर वॉलपेपर जो है अलग अलग सेट कर सकते हैं। इवन इसकी जो स्क्रीन लॉक पे वॉलपेपर जो है दोस्तों काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स, जैसे आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो स्क्रीन पर वॉलपेपर है, इसके अलावा यहाँ पर आप काफ़ी सारे वॉलपेपर्स आपको और मिलते हैं जो आप जो यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मतलब बढ़िया इसमें इमर्सिव व्यू आ रहा है पूरा, कि ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन है, तो दोस्तों देखने में तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कि इसमें क्या सेंसर्स हमको मिलते हैं, बेसिक सेंसर्स, तो चलिए हम CPU Z में जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था स्नैपड्रैगन 821 का प्रोसेसर है, यहाँ पर आपको GPU मिलता है 530 का। इसके अलावा अगर हम सिस्टम में जाते हैं बैटरी, जैसे मैंने आपको बताया 4400 mAh की बैटरी आपको मिलती है। सेंसर दोस्तों यहाँ पर एक्सेलेरोमीटर मिल जाता है आपको, मैग्नेटोमीटर मिलता है, जायरोस्कोप मिलता है, और मतलब स्टेप काउंटर, स्टेप डिटेक्टर आपको मिल जाता है ना, सारे जो बेसिक सेंसर जो रिक्वायर्ड है फ़ोन के लिए वो आपको मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों फ़ोन का परफॉर्मेंस काफ़ी स्नैपी है, यानी आपको ऐसा कुछ ये लगेगा नहीं कि मतलब फ़ोन स्लो है करके, क्योंकि ऑब्वियसली 6GB RAM जो है काफ़ी अच्छे से जो है आपको हैंडल करता है। और इसमें दोस्तों जो 6GB में से आपको आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4.4GB जो है खाली मिलता है यूज़ करने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्नैपी है, लैगिनेस फिलहाल तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है इस फ़ोन में। इस फ़ोन के यानी एप्लीकेशन भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, आप इसको कुछ भी ओपन कर लीजिए बहुत ही फास्ट तरीके से ये खुल जाता है। रिस्पॉन्सिव काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है ये फ़ोन को। दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा की, तो कैमरा जो है इस फ़ोन का दोस्तों थोड़ा सा एवरेज है, मुझे उतना खास नहीं लगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं इसका कुछ इमेजेस जो है आपकी स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, आपकी स्क्रीन में देख अभी आप देख पा रहे होंगे इमेजेस। तो कैमरा जो है इसका एवरेज है, यानी लो लाइट में तो बहुत ही यानी बोल सकते हैं ख़राब काम करता है एक्चुअली। यहाँ पर सिर्फ जो है आपका लाइटिंग कंडीशन अगर अच्छी है तो उसमें आपका अच्छा फोटो आएगा, अगर लो लाइट है तो उतना अच्छा फोटो नहीं आएगा। सेम इसमें जो फ्रंट कैमरा जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे की ओर दिया हुआ है, ये जो है दोस्तों 5 MP का कैमरा है, तो दोनों ही कैमरा जो है एक डिसेंट काम करते हैं। तो अगर आप ये फ़ोन कैमरे के हिसाब से देखते हैं तो ये फ़ोन बोल सकते हैं कि आपके लिए नहीं है, अगर आप कैमरे के हिसाब से सोच रहे हैं तो। हालांकि ये फ़ोन वैसे भी इंडिया में है नहीं, कुछ लिमिटेड ही फ़ोन जो है मैन्युफैक्चरिंग हुए थे शाओमी के, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फ़ोन था। एक बात यहाँ पर इसकी ये दोस्तों कि इसमें जो है वीडियो क्वालिटी वगैरह देखने में भी यानी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा, क्योंकि इसका जो है आपको फुल स्क्रीन होने की वजह से और पूरा बेजल स्क्रीन होने की वजह से वीडियो जो है आपको अच्छा खासा मिल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो को आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल यानी पूरा अच्छा खासा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पर। और इसको आप जो है अगर ये तो वैसे मैं यूट्यूब में चला रहा हूँ, बट इसको आप जो है नॉर्मल इसमें भी यूज़ करेंगे तो काफ़ी यानी अच्छे तरीके से आप जो है इसको देख सकते हैं, और काफ़ी यानी आप अपना एक्सपेक्ट रेशो चेंज कर करके भी देख सकते हैं। तो इसका जो बोल सकते हैं वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसका। वहीं दोस्तों इसका वीडियो का ऑडियो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको फुल करता हूँ, आप कुछ सुन सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल जो इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, वीडियो क्वालिटी ऑब्वियसली इसमें HD वीडियो आप देखेंगे तो वो भी आपको अच्छा मिलेगा। इसका जो आपको रेजोल्यूशन मिलता है वो मिलता है 1080x2040 का स्क्रीन रेजोल्यूशन जो आपको मिलता है, तो ओवरऑल देखेंगे तो बहुत अच्छा इसमें स्क्रीन क्वालिटी है, और ओवरऑल बहुत बढ़िया आपको स्क्रीन क्वालिटी इसमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि Mi Mix 2 में इससे बेटर आपको क्या मिलेगा, तो Mi Mix 2 में जो है इसमें आपको स्नैपड्रैगन 821 मिल रहा है, Mi Mix 2 में आपको 835 मिलेगा स्नैपड्रैगन का, बाकी जो रैम वेरिएंट और स्टोरेज सेम रहने वाला है, प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है सभी फ़ोन का। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो स्क्रीन रहेगा यहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा बेजल मिलेंगे, अभी इसमें कैसा है आपको 17:9 का जो है डिस्प्ले मिल रहा है, उसमें जो है आपको 16:9 का डिस्प्ले मिलेगा, तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा दोस्तों प्रोटेक्शन यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो एक चीज़ अच्छी रहेगी उसमें। इसके अलावा अगर आप बैक साइड में यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया यहाँ पर Mi Mix डिज़ाइन जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, अभी इतनी देर में ही यहाँ पर देखिए कितने फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर आ गए हैं। हालांकि ग्लास बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही बढ़िया ग्लास है, इस पर यानी बोल सकते हैं आप अपनी शक्ल देख सकते हैं, इतना क्लीन और अच्छा ग्लास है यहाँ पर बाकी, लेकिन इसको आपको कवर लगा के रखना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट कवर जो है आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसमें दोस्तों आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि इसको अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए तो ये जो चीज़ें हैं बटन है इसको आप स्लाइड डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो है जो आपका सॉफ्ट टच बटन है वो चला जाता है, वहीं अगर आपको स्लाइड अप करेंगे तो आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक ये डॉट दिया हुआ है जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इसको जो है क्लिक करने से यहाँ पर जो है आपको एक शॉर्टकट की मिल जाती है, तो फ़ोन जो कि काफ़ी चौड़ा होने की वजह से अगर आपको हर कहीं आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा है तो आप इसी से जो है यूज़ कर सकते हैं। होम में जाना है, आपको रिसेंट एप्लीकेशंस खोलनी है, जो भी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको और भी कुछ जो है यूज़ करना है, जैसे यहाँ पर लॉक करना है, स्क्रीन शॉट लेना है, बैक जाना है, तो काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर आपको
आप यहीं के यहीं जो इसमें कर सकते हैं। तो ये जो है अच्छी चीज इसमें आपको दे दी गई है। दोस्तों ये था एक क्विक हैंड्स ऑन और ओवरव्यू Xiaomi के Mi Mix का। हालांकि ये फोन ऑब्वियसली खरीदने के लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर आप खरीदना भी चाहते हैं तो eBay वगैरह में ये फोन अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं उसको अगर आप खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप इस फोन को रखने में। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि साथ में कवर हमेशा इसमें आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कवर जो है ये फोन दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन जो है आप इसको विदाउट कवर जो है हैंडल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा भी मिसहैंडलिंग हुआ या फोन गिरा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ गुड टू नो इन्फो, कुछ रिव्यूज़ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। और अगर दोस्तों आपको इस फोन को लेकर कोई और क्वेश्चन भी हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।